Hi guys, welcome back to a new day, to a new vlog, and welcome to my channel Nishad Chandra Project. और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले वो कीजिए एंड हिट द बेल आइकन. सो गाइज, मैं आपको आज बताऊंगा होम रिकॉर्डिंग सेटअप के बारे में, यानी क्या चीजें आपको जरूरत है एक होम स्टूडियो में आपके, या आपके घर में अगर आप एक सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपको क्या चीजें खरीदनी चाहिए. वेदर यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, वेदर यू आर अ म्यूजिशियन, अ सिंगर और अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो आपको क्या क्या चीजें बेसिक रिक्वायर्ड हैं एक सेटअप बनाने के लिए, वो मैं आपको आज बताऊंगा. आप देख रहे होंगे कि ये पार्ट वन है हमारे इस सीरीज का, ब्लॉग का. ऐसे कई पार्ट्स में थोड़े मैंने डिवाइड किया है. आज तो मैं आपको एक बेसिक रनअप दूंगा कि आपको क्या चीजें लगेंगी एक सेटअप करने के लिए. आगे के व्लॉग्स में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो चीजें खरीद रहे हैं उनके टेक्निकल स्पेक्स, यानी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या हैं जो आपको ध्यान में रखने उनके खरीदने के पहले. और तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, एक बेसिक सेटअप मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें आपको लेनी है, और बाकी के पार्ट्स में मैं ये बताऊंगा कि आपको कौन सी किस तरीके की चीज लेनी है जो आपके काम आ सके. तो गाइस, आप जब भी ये डिसाइड करेंगे आपको एक अपना सेटअप करना है, तो आप सबसे पहले अपने आप को तीन सवाल पूछें. व्हाई, व्हाट एंड बजट, इज मतलब हाउ मच. तो व्हाई मतलब व्हाई एम आई बाइंग दिस, मैं क्यों खरीद रहा हूं इसे, क्यों, ठीक है. दूसरा सवाल व्हाट मतलब क्या, मैं क्या खरीदूं या ये क्या काम आएगा मेरे, क्या काम का है ये मेरे. और तीसरा कितना मतलब क्या बजट मैं स्पेंड करूं, ठीक है. तो ये तीन सवाल पहले आप अपने आप को पूछे, तो आप पहले उसको जॉट डाउन कीजिए कि मैं क्यों खरीदना चाहता हूं और किस काम आएगा मेरे, जो अगर मैं कुछ खरीदूं तो वो क्या काम आएगा मेरे और मैं उस पर कितना खर्चा करना चाह रहा हूं. ये तीन सवाल आपके पहले क्लियर आपको मिल जाएंगे इसके आंसर्स, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी फिगर आउट करने की आपको क्या क्या खरीदना है. तो सबसे पहले आपको लगेगा एक कंप्यूटर. ये भी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट पे डिपेंड करता है कि आप OS X पे काम करना चाहते हैं या विंडोज पे. OS X मतलब एप्पल मशीन्स पे. तो इस पे भी कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे आप डेस्कटॉप है या लैपटॉप, इनमें से भी आप पिक कर सकते हैं आपके बजट पे, आपके चॉइस पे कि आप डेस्कटॉप खरीदना चाहते हैं या लैपटॉप खरीदना चाहते हैं. और व्यू आर्टिस्ट के लिए तो मैं एक एडवाइस करूंगा कि आप एक हाई एंड आईपैड खरीदें या एक एंड्रॉयड बेस्ड टैबलेट खरीदें, जो कि आपके लिए बहुत कन्वीनियंट और इजी रहेगा, इजी टू कैरी, इजी टू मूव अराउंड विथ, एंड आप गाड़ी में हैं या किसी होटल रूम में हैं या कहीं पे भी हैं, आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स को आपकी वॉइस क्लिप्स भेज सकते हैं. दैट इज़ इन केस अगर आप डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहें तो. सो दिस इज जस्ट अ सजेशन. उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी एक ऑडियो इंटरफेस, यानी साउंड कार्ड की. तो अगेन, साउंड कार्ड अगर आप इंजीनियर हैं या साउंड प्रोड्यूसर है या मास्टरिंग इंजीनियर, तो आपको एक साउंड कार्ड की तो डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी. दूसरा, अगर आप एक म्यूजिशियन है या सिंगर हैं, ओके, बहुत बार ऐसा आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है कोविड के चक्कर में कि सिंगर्स और म्यूजिशियंस घर से अपने गा के भेज देते हैं या पार्ट्स बजा के भेजते हैं. आज हम कर रहे हैं, आज मैं भी लास्ट दो तीन काम जो मैंने किए, मेरे म्यूजिशियंस जो अपने घर में हैं उनसे वहीं घर में गिटार्स हैं, वायलिन हैं, जो कुछ मुझे चाहिए था बजा के मुझे भेज दिया गया. सो अगर आप एक म्यूजिशियन हैं या आप सिंगर हैं, तो आपको भी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके का आपको ऑडियो इंटरफेस लेना है. ऑडियो इंटरफेस लेना तो पड़ेगा आपको. तो किस तरीके की चीज़ें लेनी है वो मैं आगे आपको बहुत डिटेल में टेक्स्ट पैक्स में बताऊंगा ज़रूर. मूविंग ऑन, आपको लगेगा एक ऑफकोर्स मिडी कंट्रोलर. अगर आप अगेन यू नो म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं तो आपको ऑफकोर्स एक मिडी कंट्रोलर लगेगा. टोटली आप पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके का म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं. सो एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू वांट टू इन्वेस्ट इन, बट यू डेफिनेटली नीड अ मिडी कंट्रोलर. उसके बाद आपको लगेगा एक माइक्रोफोन. यहाँ पे भी तीन तरीके की चीज़ें हैं. वेदर यू आर अगेन म्यूजिक प्रोड्यूसर, तो अगर आप म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं तो आपको एक ऐसा माइक्रोफोन में इन्वेस्ट करना है जो आपके वोकलिस्ट के लिए भी अच्छा हो, आपके इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप रिकॉर्ड करें तो उसके लिए भी अच्छा हो. तो इट्स लाइक एन ऑल राउंड माइक्रोफोन दैट यू नीड फॉर योर स्टूडियो. इफ यू आर अ वोकलिस्ट, देन गो फॉर अ गुड माइक विच कैप्चर्स योर वोकल फ्रीक्वेंसी इन अ बेटर वे. और अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स, आई मीन इफ यू आर अ म्यूजिशियन,
तो आपको अगर आप फ्लोटिस्ट हैं या ट्रम्पेट बजाते हैं या एनी वुड विंड्स और एनीथिंग, सो गो फॉर माइक्रोफोन्स विच आर गुड साउंडिंग माइक्रोफोन्स, यू नो, एंड कंपैटिबल टू योर इंस्ट्रूमेंट साउंड. और अगर आप रिदम बजाते हैं तो उस हिसाब से आप माइक्रोफोन में इन्वेस्ट कीजिए. इफ़ यू आर अ वीओ आर्टिस्ट, अगर आप आईपैड लेते हैं तो गो इन फॉर गुड माइक्रोफोन्स, क्लिप ऑन माइक्रोफोन्स और यूएसबी माइक्रोफोन्स. दे आर वेरी गुड फॉर योर वॉइस ओवर, फॉर डूइंग योर वॉइस ओवर्स, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. उसके बाद आपको लगेगा ऑफकोर्स मॉनिटर्स यानी स्पीकर्स. अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फैंटास्टिक. तो आप यू नो 5 इंच जो बेयर मिनिमम साइज है, पर उसके नीचे भी हैं, 3 इंच के भी आते हैं, कुछ 4 इंच के हैं, 3 के भी हैं, बट उनकी शायद आपको उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज वो गुड रेफरल मॉनिटर्स हैं मिक्सिंग मास्टरिंग करने के लिए. आप 5 इंच के लीजिए स्पीकर विच आर वेरी डिसेंट साइज एंड ज़्यादा लाउड भी नहीं है और अच्छा सुनाई देता है. कॉम्पैक्ट छोटे से हैं, आप कहीं पर भी माउंट कर सकते हो उन्हें. And again, if you are a musician or a singer, you can just buy some good, decent 5-inch monitors or smaller monitors if you want to. Voiceover artists, again, it's totally up to you. Agar aapko speakers lagane hai, if you buy a whole setup of a computer and a sound card and everything, then you will probably require monitors. And if not monitors, to aap achche headphones le sakte hain. To हेडफोन्स तो खैर एवरी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैज़ कपल ऑफ हेडफोन्स. आप एक अच्छा इन्वेस्ट कीजिए हेडफोन पे. सिमिलरली विद द म्यूजिशियन या सिंगर या वीओ, हेडफोन्स आर नेसेसरी. हेडफोन्स भी आपको देखना है कि आप करते क्या है. अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं तो आपको उस तरीके के हेडफोन्स लेने हैं. आप मिक्सिंग मास्टरिंग करते तो उस तरीके के हेडफोन्स मिलते हैं, वो लेने हैं. अगर आप तीनों करते तो ऐसा हेडफोन लीजिए जो तीनों के लिए बैलेंस्ड आउट हो. अगर आप सिर्फ म्यूजिशियन है और आपको सिर्फ डबिंग, आई मीन म्यूजिशियन या सिंगर है और आपको सिर्फ डबिंग के लिए हेडफोन्स चाहिए कि आप सुन रहे हैं और डब कर रहे हैं, तो वो भी हेडफोन्स अवेलेबल हैं विच आर मच मच चीपर. एंड ऑफ कोर्स सेम गोज विद द वीओ आर्टिस्ट, यू जस्ट नीड टू लिसन टू समथिंग, दैट्स अबाउट इट. तो ये सब चॉइसेस जो हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करती है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का काम करते हैं और आप करना क्या चाह रहे हैं. उस इंस्ट्रूमेंट या मशीन्स को खरीद के आप करना क्या चाह रहे हैं. अगर वो आपके काम की मशीन है तो फिर आप उसमें कितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं. क्योंकि आज की तारीख में मैं आपको फ्रेंड्स ये बताऊं कि होम प्रोडक्शन जो होम स्टूडियो बिजनेस है आज बहुत बड़ा बिजनेस है वर्ल्ड वाइड. आज हम जैसे लोग भी जो पहले स्टूडियोज में काम करते थे कुछ साल पहले, वी प्रिफर वर्किंग इनसाइड आवर बेडरूम्स. हमने पूरा एक बेडरूम को अपना होम स्टूडियो बना दिया और हम प्रिफर करते कि घर से आराम से काम करें. तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है. तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी ब्रांड्स समझ गए हैं कि लोग आज यू नो अपने घरों में घुसकर काम कर रहे हैं, तो हमको ऐसी चीज़ बनानी है जो क्वालिटी वाइज भी बहुत तगड़ी हो और बजट वाइज भी बहुत कॉम्पिटिटिव हो. तो आप कोई भी ब्रांड खरीदें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट देखनी है. लुक एट योर रिक्वायरमेंट कि आपको क्या चीज़ ज़रूरी है और आपकी ज़रूरत क्या है, आप क्या कर रहे हैं. उसके बाद आप बजट कीजिए और बजट के बाद आप फिर देखिए कौन से ब्रांड्स में उस बजट में वो चीज़ अवेलेबल है, एंड देन गो फॉर इट. ओके, बिकॉज मैं ये बोलूँ कि ये ब्रांड अच्छा है वो बुरा है कंपेयर करूँ, इट डजंट वर्क. वो एक पर्सनल चॉइस है, वो एक पर्सनल लिसनिंग चॉइस है. ओके, वो एक पर्सनल वर्किंग चॉइस है कि आप आज लोग हम लोग जैसे मैं अगर iMac यूज़ कर रहा हूँ, कोई मेरा एक दोस्त है जो iMac नहीं वो PC यूज़ कर रहा है, Cubase यूज़ कर रहा है, मैं लॉजिक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन हम दोनों बहुत तगड़े तरीके से बॉलीवुड गाने प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो दैट डजंट अफेक्ट एंड ऑफ द डे, इट इज़ ऑलवेज यू, आपका टैलेंट, आपका नॉलेज, इट मैन बिहाइंड द मशीन, ये होता है. सो मशीन्स ऑलवेज ये खरीदिए ऑफकोर्स बिकॉज इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है. हमेशा ये देखिए कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो सही इन्वेस्टमेंट हो. दैट्स ऑल दैट यू नीड टू लुक एट. एंड ऑफ कोर्स जो मैंने बताया कि टेक्निकल स्पेक्स जो हैं वो मैं आपको पार्ट्स में बताऊंगा, हर मशीन के आपको मैं टेक स्पेक्स बताऊंगा जो आपको देखने हैं बिफोर यू गो एंड बाय एंड इन्वेस्ट इन दैट मशीन. सो बने रहिए गाइज, दिस वॉज जस्ट पार्ट वन. आई हैव अ पार्ट टू, आई हैव अ पार्ट थ्री, एंड ऑफकोर्स दो चार और पार्ट्स हैं. अच्छे से मैंने उनको डिवाइड करके आपके आपको हेल्प आउट करने के लिए मैंने बनाया है. तो बने रहिए, फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए और जल्द मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जहाँ मैं आपके साथ टेक स्पेक्स डिस्कस करूँगा कंप्यूटर्स की और साउंड कार्ड की. तो सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम अराउंड विद अ न्यू ब्लॉग एंड पार्ट टू ऑफ होम स्टूडियो रिकॉर्डिंग. चीयर्स.
Hi guys, I'm Nishad Chandra and welcome to Mumbai Audio and Music Academy. So guys, this is our academy. Come music room. Come mera personal space in Lucknow. Ye hamara first branch hai. Lucknow mein humne open kiya. The reason why we are doing this in Lucknow and other cities also, क्योंकि बॉम्बे में वैसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और ख़ासकर मुझे और मेरे जो फ्रेंड्स हैं इस एडवाइजरी पैनल में हमारे, हमें काफ़ी फ़ोन्स और मैसेजेस आते थे, यू नो, बच्चे जो लड़के यहाँ सीखना चाह रहे हैं वो बॉम्बे कई बार आ नहीं सकते बिकॉज ऑफ हाई फी स्ट्रक्चर्स एंड सम ऑफ देम कैन नॉट इवन अफोर्ड टू कम एंड स्टे इन बॉम्बे. सो ये अकेडमीज़ हमने प्लान की थी उनके लिए कि वेयर वी कैन गो एंड रीच आउट टू देम. फ़ी स्ट्रक्चर भी हमने बहुत मिनिमल रखा है, इट्स वेरी अफोर्डेबल. And currently due to the pandemic, hum offline nahi kar rahe hain. We are going online. We are definitely teaching online. Courses begin from 11th May. So agar aap hamare courses join karna chahte hain, music production, sound engineering ke, so you can contact us on the number given below or email us. Yahan par hum aapko music production or sound engineering ke bare mein sab kuch sikhayenge jo humne sikha hai. Plus also about the new technologies jo abhi aa rahi hain, about synthesizers and how to use them. So agar aap ye courses karna chahte hain, so do connect with us. We look forward to having you on board. See you guys. Cheers.